हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। मैं विनय। तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर है कौन धमाकेदार चैलेंज में, जो कि है फ्रेंड्स स्ट्रीट स्टाइल मोमोज थाली ईटिंग चैलेंज। तो फ्रेंड देख सकते हो आज भी हमारे पास जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के मोमोज रखे हुए हैं। तो देख लो विनय भाई कह ही रहे भिन्न भिन्न प्रकार के मोमोज। तो फ्रेंड भिन्न भिन्न प्रकार के ही हैं, और जो सारे स्ट्रीट स्टाइल बनाए मैंने पूरी इनकी थाली बना दी है। तो एक तरह से थाली स्टाइल समझ लीजिए, थाली से आप देख रहे हो लगी है विनय भाई के पास, एक मेरे पास। कुछ तो फ्रेंड कुछ मोमोज इसमें ऐसे है जिनका नया नया आविष्कार हुआ है। नया नया आविष्कार विनय भाई कह सकते हैं नया नया आविष्कार, क्योंकि विनय भाई आप भी आपने कभी नहीं देखे होंगे ना मैंने देखे। तो वही समझ लीजिए आज भी एक ऐसा चैलेंज है जिसमें मुँह में पानी ला देने वाला चैलेंज। मोमोज किसको पसंद नहीं है, और जब से इंडिया में आए मोमोज तब से तो सबको मोमोज ही मोमोज दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड मेरा भी मोमोज ही मोमोज रखे टेबल पर, जो भी देख रहे हो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास कौन कौन से मोमोज हैं। तो फ्रेंड ये क्रीमी ग्रेवी मोमोज, और ये फ्रेंड्स फ्राई मोमोज, और ये फ्रेंड्स कढ़ाई फ्राइड मोमोज। फ्रेंड ये सूपी नूडल। तो फ्रेंड ये सूपी मोमोज आप देख रहे हो, ये सूप है और ये मोमोज। और फ्रेंड्स ये स्टीम पनीर मोमोज, ये स्टीम वाले पनीर मोमोज हैं। और ये फ्रेंड्स कबाब मोमोज आप देख रहे हो, ये कबाब मोमोज रखे हैं। और फ्रेंड्स ये कुरकुरे मोमोज हैं, इनके ऊपर ढेर सारा कुरकुरे का वो लग रहा है, ये काफ़ी क्रंची हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये हमारे पास चटनी इनको खाने के लिए। तो फ्रेंड ये तो सीजवान चटनी आप देख रहे हो, और फ्रेंड्स ये मोमोज वाली चटनी है। और ये हमारे पास ये देख रहे हो फ्रेंड्स, टोटली हमारे पास 7 तरह के मोमोज हैं। और फ्रेंड्स मैंने चटनी आपको बताई थी, ये हमारे पास सीजवान चटनी है, ये मोमोज वाली चटनी है, और ये मैंने एक्स्ट्रा बनाई है चटनी, जो कि इसका नाम मैं कुछ रख नहीं सकता, लेकिन मस्त चटनी ये भी काफ़ी चिली मैंने मिलाई इस वाली चटनी में, थोड़ी ऐसे करके तीखी चटनी, मज़ेदार और तीखी चटनी। तो फ्रेंड्स आज का चैलेंज आप देख सकते हो, तो मस्त चैलेंज होने वाला है। तो फ्रेंड देखते हैं कौन आज के चैलेंज में जीतेगा, कौन इन टेस्टी इतने सारे मोमोज को ख़त्म कर देगा। और ये सारे मोमोज मैंने ही बनाए, पहले आपको बता दूँ तो सारे मोमोज मैंने ही तैयार करे हैं, और सब एक से एक बेहतरीन टेस्टी लाजवाब क्या बताऊँ डिलीशियस सारे मोमोज हैं, एकदम मज़ेदार। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, मैं तो एकदम तैयार हूँ अपना पेट पकड़ के, और विनय भाई भी तैयार है। और फ्रेंड चलिए आपने टाइमर लगाया, आज मैं टाइमर का यूज़ करने वाला हूँ और आपको दिखाई दे, बस मैं यही कहूँगा। तो फ्रेंड्स रेडी स्टेडी एंड गो, हमारा टाइम स्टार्ट। तो कबाब मोमो से शुरुआत करूँगा अपनी वाली चटनी के साथ। फ्रेंड आज आपको मक्खी दिखा नहीं दे रही होंगी, तो फ्रेंड उसका हमने एक इलाज किया है, वो मैं आपको बिहाइंड द सीन में दिखाने वाला हूँ, बस आप जुड़े रहिए हमसे।
सॉरी फ्रेंड्स, मेमोरी का स्पेस फुल हो गया था तो थोड़ा रुकना पड़ा कुछ सेकंड के लिए। तो मैं चलिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरे ये वाले जो ग्रेवी मोमोज हैं वो बच्चे हैं, ग्रेवी मोमोज मुझे अच्छे नहीं लग रहे। सही तो बात तो ग्रेवी मोमोज की जो ग्रेवी थी उन्होंने जो मोमोज की जो टेक्सचर होता बाहर का वो एकदम गला दिया है। मैंने नहीं सोचा था ऐसे बनेंगे, लेकिन है खाने में टेस्टी है, लेकिन उनका टेक्सचर थोड़ा गल चुका है ऊपर का, तो थोड़े अच्छे अजीब से लग रहे हैं। और बाकी सभी मोमोज टॉप एकदम मस्त खाने में, बिना कोई प्रॉब्लम हुई थी, एकदम स्पीड स्लो हो गई। इन पर आते ही आपने देखा होगा तो आप सोच ही सकते हो इनका टेस्ट थोड़ा कैसा है। तो मैं इसी वजह से और मैं आज नहीं खा पाया क्योंकि फ्रेंड मैंने थोड़े बनाए थे, तो मैं सोच रहा था टेस्ट ले लेके खा लूँ, लेकिन बिना भाई अपने जानवर पर दिखाते एकदम टूट पड़ता है बुरी तरह से। और मैं स्पीड में ना खाऊँ ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है क्योंकि फ्रेंड बिना की आदत ही, तो आप जानते हो मैं बिना आई से चलने से पहले कहता हूँ बिना आई बड़ा टेस्ट ले लेके खाना चाहिए, इसके वजह से मैं भी खा पाऊँगा। लेकिन बिना आई रुकते ही नहीं है, तो फ्रेंड मुझे भी बिना आई के साथ ही फास्ट होना पड़ता। तो फिर चलिए अब बढ़ता है सजा की ओर। यहाँ का मेकअप करने वाला हूँ और इसे लड़के से लड़की बनाने वाला हूँ, और गोरी लड़की। तो फ्रेंड्स बिना का कहने का मतलब है बिना आई मुझे गाँव की छोरी बनाना चाहते हैं, जो कि कारी होती है वो कोशिश करती है होने की गोरी। तो फ्रेंड्स वही बनने वाला हूँ मैं चोरी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बिनाई, मैं तो बिनाई के लिए हैंड सैनिटाइज रखा है क्योंकि बिनाई हैंड सैनिटाइज करके मुझे मेरा मेकअप करे, वरना कोरोना बिनाई कोरोना कहीं मुझ पर ना चढ़ जाए। तो बिनाई हैंड सैनिटाइज यूज़ करेंगे और बिनाई के गोरे गोरे हाथ, उनको थोड़ा वो ना हो जाए प्रॉब्लम, इससे कोमल रहेंगे बिनाई के गोरे गोरे हाथ। ये लगा लिया मैंने सैनिटाइजर अपने गोरे गोरे हाथों पर दिखा था गोरे गोरे हाथों। पसीना लगा ही मुंह पे कब पहुंच गया पहले बात का चुना तू लगा तू हम बोल तो रहता रहे एकदम चुपचाप तो मत कर रहा तू कब बोले में शर्म लगाते बोल खचू। फ्रेंड कैसा लग रहा है फेस? और थोड़ा मतलब माथे पे पसीना है तो तुरंत धुल ले आ रहा पाउडर। पहली बात तो मैंने को बता ये छोरी पहले से गोरी है। नहीं मां जब ही मालूम नहीं पड़ रहा तो काली काले होता तो उससे खूब अच्छी तरह मेरा को मेकअप करना नहीं आता। जो भी फ्रेंड अब मैं नहीं रहा फिर भी बंदा तो बना ही दूंगा। चलो फ्रेंड बंदर ही सही कुछ तो कर कर रहे है ये मूछ बना ली की मेहंदी। बिना का मेकअप करना नहीं आता मैं नहीं। बिना का उंगलियां छोड़ने नहीं वाला। हाँ पूरा अरे लंग मैंने नहीं।
मुझे थोड़ी ढंग से नहीं बन पाई। तो फ्रेंड्स आज बिनॉय ने जो भी कराया ना मेरे साथ, मैं उसका पूरा पूरा बदला लूँगा अगली बार। आज मैं मजबूर था, पता नहीं क्या कैसे हार गया मैं, तब भी मैंने कोशिश तो की थी। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे पैर चेहरे को तो बिल्कुल भी मेरे चेहरे को देख के तो पक्का लाइक करें, क्योंकि आज बिनॉय ने जैसी मेरी हालत की है उससे बेहतर मैं बिनॉय अगली बार करने वाला हूँ। तो आप सीट पकड़ के, अपनी कुर्सी पकड़ के और बस अपना सिर पकड़ के तैयार रहे, कैसे भी करके तैयार रहे, अगली वाली वीडियो में बैंड बजा दूंगा बिनॉय के, छोड़ूंगा नहीं, पूरी मेहनत करूंगा जीतने की अगली बार। तो फ्रेंड चलिए, अब मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ कि कैसी जुगाड़ चलती है हमारे यहाँ पे, पूरी जुगाड़ मक्खियों से बचने की क्या जुगाड़ करी। और फ्रेंड ये सफेद सफेद सा चौक दिखाई दे रहा है इस पर। फ्रेंड जी मैं मक्खियों को भगाने का कुछ लेके आया था मैं दुकान से, वो भी काम नहीं किया तो मैंने कुछ बगल में लगाया। तो फ्रेंड आप बिहाइंड द सीन में देखिए। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों के जितना चाहे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमको बहुत आगे तक पहुँचाएं। तो आज के लिए।